Hello students, a very good evening to all of you. Today we are discussing about the human reproductive system. जैसा कि आप जानते हैं NCERT की 12th क्लास का जो कि थर्ड चैप्टर माना जाता है, जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी, है ना। जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और जो थर्ड जो चैप्टर आता है जो जूलॉजी को बिलोंग करता है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दिस इज नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी इन एनिमल्स, एम्ब्रियोलॉजी इन एनिमल्स। ओके, यानी आज हमें ये टॉपिक को डिस्कस करना है। ट्वेल्थ बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड या जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और ये नीट के हिसाब से बहुत एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इन एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे डाउट्स को भी बाद में अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। हमें पूरे एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, बिकॉज हमारे नीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाता है या अपन 12 सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखा जाता है, तो जो एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है वो थोड़ा प्रिसाइज करके दे रखी होती है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन, एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हिडन होती हैं, एक पॉइंट पे दे रखी होती हैं, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना है, जिससे हमारा नीट का कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। अपन बोलते हैं कि नीट के जो 80-85% जो बायोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी कई बार रीड करने के बाद भी बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसका एक रीजन यही होता है कि एनसीईआरटी को हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं लेके जाते, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं को हम एक सेट करके रखते हैं, हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके चलना है। इसकी एक डिस्क्रिप्शन जो होता है प्रॉपरली, प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपरली जो एक्सप्लेनेशन प्रोसेस होती है उनको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो बच्चों अपन शुरू करेंगे यहाँ पे। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जानते हो, रिप्रोडक्शन का मतलब आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, इट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस, है ना, फ्रॉम देयर पेरेंट्स विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज द एनाटॉमिकली। यानी एक पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग यानी न्यू ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर माना जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, देयर प्रोसेसेस एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी। ओके, जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, यानी इसके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मींस होता है, दैट मींस इसके अंदर डिफरेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यूनिसेक्सुअल कैटेगरी में आता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ यहाँ पर जिनके मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गेन्स आर सेपरेट इन देम, हम उसको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। विविपेरस का मतलब होता है जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन जैसे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। जैसे अपन वी टॉक अबाउट द बर्ड्स, है ना, एवीज की अपन बात करेंगे तो वो ओविपेरस कैटेगरी में आते हैं, दैट मीन्स एग लाइंग एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं, और विविपेरस का मतलब होता है जो चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने पेरेंट्स के ही सिमिलर होता है। क्लियर। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम माना जाता है। एक फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनदर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हमें डिस्टिंक्टली दोनों को क्लियर करते हुए चलना है। एक एक पॉइंट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर चीजों को कंपाइल करते हुए चलेंगे, प्रॉपरली हम इसको रीड करते हुए चलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नीट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, प्रीवियस ईयर का भी आप सॉल्व करके देखेंगे, बोर्ड का भी कोई क्वेश्चन देखेंगे, तो आप उसका इंस्टेंटली आप रिप्लाई कर दोगे, आप आसानी से उसके एक्सप्लेनेशन दे दोगे, जिसमें हमारी 100% एनसीईआरटी भी चलेगी, और एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसको भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलना है। क्लियर। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
उसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। जैसे मैंने आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई भी जब ऑर्गेन सिस्टम बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन्स। ओके, यानी कोई भी और कई और दो या दो से ज्यादा ऑर्गेन्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तब ये सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस सिस्टम इज स्पेशलाइज ओनली फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, जिसको अपन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, बिकॉज एम्ब्रियो जो होता है वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का ही एक पार्ट माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे जो कॉमन, जैसे अपन बात करेंगे, कोई भी चाहे मेल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पेयर गोनाड्स पाए जाते हैं। इन केस ऑफ मेल टेस्टिस अ पेयर ऑफ टेस्टिस, बट इन केस ऑफ फीमेल एक पेयर ओवरीज पाए जाते हैं ना। एक ओवरी का पेयर पाया जाता है जिसको अपन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन के नाम से जानते हैं, है ना। बट इन केस ऑफ मेल टेस्टिस पाए जाते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होती है मेल गोनाड्स, और फीमेल गोनाड्स की अपन बात करेंगे तो वो इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर मानी जाती है, यानी ओवरीज, है ना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स होती हैं, जैसे मेल के अंदर भी कई रिप्रोडक्टिव डक्ट्स पड़ेंगे अपन, है ना। जैसे एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, उसी तरीके से फीमेल के अंदर भी एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, जिसको अपन रिप्रोडक्टिव डक्ट या जिसको अपन फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं ना। ऐसे मेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डक्ट होती हैं, वासा डिफरेंसिया, है ना, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, लाइक दैट। तो यानी डक्ट भी दोनों में पाई जाएंगी, स्ट्रक्चर दोनों की अलग है, फंक्शंस दोनों के अलग है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे एक्सेसरी कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ ग्लैंड्स फीमेल में अलग हैं, मेल के अंदर ग्लैंड्स अलग होती हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती हैं। यानी इन स्ट्रक्चर से मिलके पेयर ऑफ गोनाड्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड एक्सेसरी स्ट्रक्चर, ये कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर होती हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो एक ऑर्गेन सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब जो सेक्सुअल ऑर्गेन, जैसे मैंने भी आपको बताया था, जिनको अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के नाम से या जिनको गोनाड्स के नाम से जानते हैं, इन मेल अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इन फीमेल अ पेयर ऑफ ओवरीज, बोथ आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये थोड़ा सा आपको ओरिजिन भी याद रखना है, यानी ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर जो माने जाते हैं गोनाड्स होते हैं, जब इनके हम ओरिजिन की जब अपन बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, अपन मीजोड्रमल, यानी मीजोड्रमल ओरिजिन माने जाते हैं। एंड ओवरीज फीमेल के अंदर जो गैमेट्स को फॉर्म करती हैं, ये भी मीजोड्रमल ओरिजिन। और यहां पे लिखा हुआ है गैमेट फॉर्मेशन, यानी वाई दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज, वाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन, बिकॉज दे इमेंसली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यानी गैमेट फॉर्मेशन के स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के अंदर होता है और ओवम का फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन फीमेल के अंदर होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस एक प्राइमरी प्रोसेस होती है जो इन गोनाड्स या सेक्सुअल ऑर्गेन्स के द्वारा ये अकम्प्लिश्ड होती है। एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑल्सो प्लेड बाई द गोनाड्स। प्राइमरी फंक्शन के अलावा सेकेंडरी फंक्शन होता है, दैट इज द हार्मोनल सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाई टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको अपन मेल एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोला जाता है। इसका ये सेकेंडरी फंक्शन माना जाता है। सिमिलरली फीमेल के अंदर जो ओवरीज होते हैं, ओवरी के अंदर भी सेकेंडरी फंक्शन होता है, यानी सेकेंडरी रोल क्या हुआ उनका, हार्मोनल सिक्रेशन, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज आर कॉल्ड सेक्सुअल हार्मोन्स ऑल्सो, है ना, गोनाड्स, गोनाडियल हार्मोन्स या सेक्सुअल हार्मोन, या जिसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सेपरेटली हम इनको नाम देते हैं। ये इन सेक्सुअल ऑर्गेन्स का सेकेंडरी फंक्शन माना जाता है, जिसको अपन आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब अपन बात करेंगे एट प्यूबर्टी स्टेज। ये तो हमने पढ़ लिया, यहां पर एक पॉइंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और बताना चाहूंगा कि ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है इट इज इंटरलिंक विद द जेनेटिकल प्रोसेस ऑल्सो। ये भी इसमें जेनेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, बिकॉज जो न्यू यंग वंस का जो फॉर्मेशन होता है वो करेक्टरिस्टिकली एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर माना जाता है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, है ना। आप जानते होगे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की, यानी 30,000 टाइप्स के जो जीन्स पाए जाते हैं, और हर जीन का एक स्पेसिफिक रोल होता है और वही जीन आगे जाके फंक्शन करता है। बिकॉज जब जीन के बारे में अपन पढ़ेंगे, जीन हैज द, यानी जीन का मतलब डीएनए, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेनिंग द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वेदर प्रोटीन्स और एमआरएनए,
और अपन नॉर्मली बोलते हैं जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसमिट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन, है ना, यानी जेनेटिकल कैरेक्टर्स को लेके जाता है। तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो हो रही है इन्हीं के साथ साथ में जो जेनेटिकल जो फिनोमिना होता है वो भी यहाँ पे साथ साथ चलता है। इज दैट क्लियर? तो डीएनए की जो एक्टिविटी आ जाती है, भाई फर्स्ट एक्टिविटी डीएनए की आपने पढ़ी होगी, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए हैज टू बी सेल्फ रिप्लिकेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू रिप्लिका कॉपी। एनदर एक्टिविटी ऑफ जीन इज द जीन एक्सप्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। That means DNA gets converted into mRNA by the process of transcription, followed by product formation take place, यानी transcript से RNA से protein का formation होता है, protein से एक biological product बोला जा रहा है जो कि responsible होता है various functions और activities के लिए, right? Parents में भी और आने होने वाली generation में वो process होती है, वो carry forward होती चली जाती है। Is that clear? Now we talk about the events of reproductive system. ये जो इवेंट्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, जैसे अपन इवेंट्स की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव यानी एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स, दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स। बच्चों याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, इनको हम एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स के नाम से जानेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे शुरू हो रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस नीट में यहीं से पुटअप हो जाते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता हूँ, है ना। जैसे अभी मैंने एक बताया था प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी के फंक्शन से रिलेटेड, तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पर कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेल गोनाड्स, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेल गोनाड्स या मेल सेक्सुअल ऑर्गेन, मेल सेक्सुअल ऑर्गेन से के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, दैट मींस इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे बन गया स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड द टेस्टिस। सेकंड पॉइंट बन गया, सेकंड पॉइंट आ गया टेस्टिस रेफर्ड एज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन। थर्ड पॉइंट में आ गया टेस्टिकुलर हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन द मेल। और फोर्थ ऑप्शन आ गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरी इन फीमेल। दैट मींस हमारे देखो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही आ रहे हैं, स्टेटमेंट हमारे चारों सही हैं, लेकिन हमारा फोर्थ यहाँ पे गलत हो गया, बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस ओवरी से होता है फीमेल के अंदर, ये यहां तक हमारा करेक्ट है, बट हमारा क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू द गोनाड्स इन मेल सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल, यानी मेल के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ था, इसलिए हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है बच्चों ये गलत हो गया। यानी इस तरीके से थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे जब क्वेश्चंस को अगर नहीं पढ़ पाते हो, जल्दी जल्दी जब वो ऑप्शंस को टिक ऑप्शंस पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, तो वो इस ऐसे क्वेश्चंस को वो कभी कभी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जो आपके फाइनली जो एक जो प्रोडक्टिव एक रिजल्ट या जो भी आपका जो लास्ट में जाके जो स्कोर बनता है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है ना बाय द सिली मिस्टेक। तो ये भी हमें छोटी छोटी मिस्टेक कहीं कहीं हो जाते हैं, इनको भी हमें साथ ही साथ रेक्टिफाइंग करना होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स। तो बच्चों जिनको हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स या एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स के नाम से जानते हैं, ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले इसमें इवेंट आता है, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मैंने भी आपको बताया था शॉर्टली, स्पर्म एंड ओवा। ओवा यानी एक से ज्यादा, और एक को बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर सिंगल होगा तो दैट इज कॉल्ड द ओवम, और एक से ज्यादा यहाँ पर ओवा, ठीक है ना। ऐसे एक को अपन स्पर्मेटोजुआ और एक से ज्यादा अगर हुए तो यहाँ पे स्पर्म, यानी ये मेल गैमेट्स हुए और बच्चों ये यहाँ पर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो दोनों जो प्रोसेस होगी यहाँ पर, यानी गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस भी आ रही है यहाँ पर, ये भी बच्चों दो प्रकार की यहाँ पे आ जाती है। अपन इसको यहाँ पे पढ़ लें, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जो प्रोसेस आती है इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। एनदर प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन मेल, याद रखिएगा मेल्स के अंदर बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये भी गैमेटोजेनेसिस है, बट मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होती है जिसको अपन ओजेनेसिस
ओजेनेसिस प्रोसेस है ना। ओजेनेसिस प्रोसेस कहां पे हो रही है ये बच्चों? फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर, यानी इसके अंदर एग का प्रोडक्शन होगा, ओवा जिसको अपन बोल रहे हैं, और ये यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये भी सेल्स होती हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी डिफरेंट टाइप। ये सेल्स होती हैं, फर्क इतना है ये हैप्लॉयड नेचर की होती हैं। जनरली जो सोमेटिक सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड नेचर की होती हैं, बट ये जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं गैमेट्स होते हैं, ये हमेशा हैप्लॉयड नेचर की होती हैं, कंटेनिंग द हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। स्पर्म के अंदर 22+X, 22+Y, यहाँ पे बच्चों जो आता है ये स्पर्म जो होते हैं कुछ 22+X के होते हैं, कुछ 22+Y के होते हैं, और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा 22+X वाले ही होते हैं, राइट। तो गैमेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन विच इज टेक प्लेस इन द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन इन मेल एंड इन फीमेल, बोथ, दोनों के अंदर हो रही है ना। इन केस ऑफ मेल इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज कॉल्ड ओजेनेसिस, है ना। उबम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ओवरी के अंदर ओबम का फॉर्मेशन होगा और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन। सेकेंड जो प्रोसेस होती है गैमेट फॉर्मेशन के बाद में, जो अनदर जो प्रोसेस आते हैं दैट इज कॉल्ड द इनसेमिनेशन। गैमेट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज से शुरू हो जाता है, और इनसेमिनेशन जो प्रोसेस आती है यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंट्री होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनसेमिनेशन, है ना। एक वर्ड यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। AI टेक्निक लास्ट ईयर नेट का भी एक पॉइंट बना हुआ था, AI, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। जब किसी के अंदर स्पर्म काउंट अगर कम होती है तो जो फिजिशियन आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन को रिकमेंड करते हैं, यानी फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली, यानी जो ऑलरेडी पहले से जो प्रिपेयर्ड जो स्पर्म्स हैं उनको इंजेक्ट कराया जाता है ना, इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, है ना, उसको अपन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। ये नेचुरल इंसेमिनेशन की बात हो रही है। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टाइल करना, है ना, यानी गैमेट्स का फर्टाइल होना, जुड़ना आपस में, फ्यूजन होना। तो फर्टिलाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ये आप याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस का जो रिजल्ट होता है वो गैमेट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन का रिजल्ट स्पर्म एंट्री इन टू द फेलोपियन जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट इज द फर्टिलाइजेशन, इसका जो एंड होता है वो जायगोट का फॉर्मेशन, दैट मींस मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, इन दोनों का आपस में फ्यूजन होना, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज द जायगोट। दोनों हैप्लॉयड से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बच्चों जायगोट के नाम से जानते हैं, और जायगोट को ही हम एक रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक सेल के नाम से जाना जाता है। ये जायगोट का फॉर्मेशन यहां पे हुआ, दोनों गैमेट से जायगोट यहां पे बन गया, ठीक है। अब जायगोट यहां पे बना, और याद रखिएगा ये जो साइट होती है, जैसे हमने आपको बताया था गैमेट फॉर्मेशन की साइट प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल, इनसेमिनेशन की साइट बोलेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन की अपन बात करेंगे तो ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुला पार्ट होता है, बेसिकली स्टमक का मतलब तो वो कनेक्शन हुआ एम्पुला के साथ में, एंड दैट जंक्शन इज कॉल्ड एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन वेयर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो विच वन साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नेसेसरी फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट लीड टू द जायगोट फॉर्मेशन? तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आ गया ओवरी, सेकेंड पॉइंट आ गया, और फोर्थ पॉइंट आ गया एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यहां पे सही, यानी एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। अगर ये नहीं होता तो अपन फेलोपियन ट्यूब बोल देते, बिकॉज फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये पार्ट माना जाता है। तो बच्चों इस तरीके से यहां पे ये क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं ना। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड स्टेज, थर्ड फोर्थ स्टेज यहां पे है, इसको ऐसे याद रखिएगा, फोर्थ स्टेज जायगोटिक क्लीवेज। तो बच्चों ये जो जायगोटिक क्लीवेज की बात आती है आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब अपन बात करेंगे यहां पे जायगोटिक क्लीवेज, तो जायगोटिक क्लीवेज का मतलब हुआ कि जायगोट अंडरगोज द सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, एक अनइक्वल डिवीजन होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अभी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की कंडीशन आती है जिसमें जायगोट यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जायगोट अंडरगोज टू द सक्सेसिव अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, है ना, एक के बाद एक क्लीव होता चला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
क्लीवेज है ना उसको, और ह्यूमन के अंदर जो क्लीवेज होता है दैट क्लीवेज दैट टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक। याद रखिए बच्चों, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, हम इसको होलोब्लास्टिक। अब क्लीवेज का जो रिजल्ट हुआ, याद रखिएगा, क्लीवेज का जो रिजल्ट माना जाता है वो क्या है, क्लीवेज का रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होना, यानी जायगोट अंडरगोज टू द सक्सेसिव अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ब्लास्टो यानी जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज। अब एक नीट का क्वेश्चन यहां से पुटअप हो गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियोलॉजी का ऐसा कौन सा इवेंट होता है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होती है? फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा इम्प्लांटेशन, सेकेंड पॉइंट आ गया जायगोटिक क्लीवेज, थर्ड पॉइंट आ गया गैमेटोजेनेसिस, और फोर्थ पॉइंट नन ऑफ दीज। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, आंसर आप बताएंगे, क्या आंसर अपन देंगे यहां पर, यानी जायगोटिक क्लीवेज, जिसमें जायगोट अंडरगोज टू द सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन दैट लीड टू द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ओके, तो ये यहां पे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पे बनी। अब जैसे ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, अब उसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा, अब आप इसको क्लीवेज हमने बीच में लिख लिया इसलिए बच्चों इसको हम फिफ्थ मानेंगे, इसको सिक्स सेवन एट, अब ऐसे स्टेप आप मानिएगा। तो फिफ्थ जो स्टेप हमारा क्या होगा यहां पर, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट होना कोई चीज को, है ना। एक होता है इम्प्लांट, एक होता है ट्रांसप्लांट। आपने अच्छा अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है जब कोई डोनर रेसिपियंट यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऑर्गेन डोनेट करता है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई ऑर्गेन सेट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। और एक प्रोसेस होती है बच्चों इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांट हो रही है यानी उस बॉडी उसी एक ही जगह पर कोई चीज है, अब वो वहां से अटैच हो रही है, एक पर्टिकुलर एक फिक्स पोजीशन पर वो अटैच हो रही है, दैट इज द इम्प्लांटेशन, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटराइन एंडोमीट्रियम। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट तो अपन क्लीवेज में ही कर लिया, इम्प्लांटेशन को अपन बहुत बेहतर तरीके से डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्ला इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटर एंडोमीट्रियम। यूट्रस की जो एंडोमीट्रियम लेयर होती है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमीट्रियम। ओके, अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि यूट्रस की भी तीन लेयर होती है, एंडोमीट्रियम इनर मोस्ट, मायोमीट्रियम मिडिल लेयर जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, सबसे थिक लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस की तीन डिस्टिंक्ट लेयर होती है, लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर होती है उस लेयर के साथ में ये अटैच होती है। क्लियर, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है एंड दैट लीड टू द इम्प्लांटेशन बच्चों, है ना। और इसी इम्प्लांटेशन को अपन अब इसके बाद में जैसे ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाती है देन हम यहां पे अब प्रेगनेंसी पॉइंट यूज करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड द जेस्टेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी, इसी को हम प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। कंसीविंग की जब बात आती है ना, कंसीविंग की जब बात आएगी तो यानी इम्प्लांटेशन, वैसे अगर एक्चुअल में अगर अगर ट्वेल्थ लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, और आप एक हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन लेके चलेंगे, तो जैसे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसका क्लीवेज शुरू हो जाता है, क्लीवेज होने के बाद में इम्प्लांट हो गया, कंसीविंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है यहां पर, जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, यानी फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ, दैट मींस यानी इम्प्लांटेशन से बर्थ तक का जो पीरियड होता है, यानी अप्रोक्स याद रखिएगा बच्चों 280 डेज है ना, प्लस माइनस 7 डेज, प्लस माइनस 7 डेज है ना, या पर रफली इसको नॉर्मली देखें जैसे 9 मंथ्स, 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, दिस पार्चरीशन, और पार्चरीशन दिस इज नोन एज द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, है ना, चाइल्ड डिलीवरी होना यानी जब मदर के अंदर, फीमेल के अंदर जब एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है देन इट्स रेडी फॉर एक्सपल्जन, है ना, यानी यूट्रस से बाहर निकलता है ये, एक्सपल्जन ऑफ फुली डेवलप फीटस फ्रॉम द यूट्रस अंडर द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दैट प्रोसेस रिफर्ड एज द पार्चरीशन, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, या पर जिसको बोलेंगे डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो बच्चों डिलीवरी ऑफ चाइल्ड की जो प्रोसेस होती है हम इसको ही पार्चरीशन के नाम से जानते, ठीक है ना। और कौन सा हार्मोन इसको सपोर्ट करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम पार्चुरेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीटोसिन को हम बेटा बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इज दैट क्लियर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन
इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ हार्मोन, है ना। जब फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से जब सेंसरी सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद में हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रमोट द विग्रस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस दैट लीड टू द सक्सेसफुल चाइल्ड बर्थ। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में यूट्रस का विग्रस कॉन्ट्रेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसकी वजह से फुली डेवलप जो फिटस होता है, चाइल्ड होता है, वो यूट्रस से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। इसको हम डिलीवरी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जो डेट आती है पार्चुरेशन की, जो डेट आती है, जैसे फिजिशियन डॉक्टर वगैरह गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे वो निकालते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, है ना। जैसे पार्चुरेशन डिलीवरी से पहले, यानी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जेस्टेशन पीरियड जो फीमेल का चल रहा होता है, उसी टाइम पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो बता देते हैं कि डिलीवरी उस टाइम पे होने वाली है ना, यानी पार्चुरेशन की प्रोसेस उस टाइम पे होने वाली। तो वो क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ईडी का मतलब बच्चों, ईडीडी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या अपन लिखेंगे, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एक एक्सपेक्टेशन यानी एक कैलकुलेशन होती है यहां पर, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का मतलब बच्चों यहां पे क्लियर हो जाता है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो यहां पर निकालेंगे, तो ई डी डी का मतलब होता है कि फर्स्ट डे, फीमेल से पूछ लिया जाता है ये, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो, यानी प्रेगनेंसी होने से जस्ट पहले जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऑपरेट होते हैं फीमेल में, उसका फर्स्ट डे, ब्लीडिंग का जो फर्स्ट डे होता है, तब से लेकर प्लस 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, या इसको 10 डेज भी कर सकते हैं, जनरली 7 डेज ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है ना। तो ये टोटल जो कैलकुलेशन जो निकल के आती है, ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट की निकल के आती है। इससे एक आइडिया लगा लिया जाता है, भाई फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल से पूछ लिया जाता है, उसमें 9 मंथ्स को प्लस कर दिया जाता है, 7 डेज प्लस माइनस कर दिया जाता है, वो एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है। 2-4 दिन पहले भी डिलीवरी हो सकती है, 2-4 दिन 5 दिन लेट भी डिलीवरी हो सकती है ना। अगर उससे पहले अगर हो रही है, 10 डेज से भी पहले अगर हो रही है 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, और अगर मान लो 8 मंथ पे या 7 मंथ पे, दैट इज प्री मैच्योर डिलीवरी, अगर ज्यादा हो रही है वो भी डेंजरस मानी जाती है, जो कि मैटरनल और होने वाले बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स तो ये हो गए जो कि फीमेल बॉडी के अंदर ये ऑपरेट हो रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस थी वो केवल कॉमन थी, बाकी सब फीमेल के अंदर होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट सबसे ज्यादा फीमेल के अंदर होते हैं ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है कि स्पर्म फॉर्मेशन यानी गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस मेल के अंदर ये कंटिन्यूस होती है कंप्लीट लाइफ स्पेन, कंप्लीट लाइफ तक, और फीमेल के अंदर ये एक अप्रोक्स एक ओल्ड स्टेज में 45-50 ईयर्स के बाद में ये सीज हो जाती है, बंद हो जाती है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि गैमेट्स खत्म हो जाते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं वो कोई फॉलिकल नहीं बचते, जिसकी वजह से वो जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के फर्दर चांसेस नहीं हो पाते हैं ना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेनोपॉज, आपने पढ़ा होगा उसको, अपन मेनोपॉज के नाम से जानते हैं ना। लास्ट जो प्रोसेस डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन की प्रोसेस आती है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड्स। बच्चों बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, यानी लैक्टेशन जो प्रोसेस होती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन, जैसे डिलीवरी हो जाती है देन फीमेल से जो इन्फेंट था, बच्चा था, वो अलग तो हो गया, बट स्टिल He or she is connected with female, है ना, मदर के साथ ही वो कनेक्टेड होता है, कोई बाहर की चीज इवन पानी तक बाहर का नहीं पिएगा, यानी फुली वो अपनी मदर के ऊपर डिपेंड होता है। तो बेटा इसके लिए मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इनसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन की मिल्क सिंथेसिस की जो प्रोसेस को अपन लैक्टेशन के नाम से जानते हैं, अंडर द एक्टिविटी ऑफ अंडर द एक्टिविटी या अपन बोलेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लैक्टोट्रोपिन हार्मोन,
लैक्टोट्रोपिन हार्मोन। और लैक्टोट्रोपिन हार्मोन सब जानते हैं, LTH जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज, एक और इसका नाम जाना जाता है, दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेमरी ग्लैंड से फिर वो मिल्क इजेक्शन के लिए, वहां पर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन की वहां पर जरूरत होती है, बिकॉज वो तो एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क तो बन गया, प्रोलैक्टिन ने उसको सिंथेसिस करने को तो प्रमोट कर दिया, बट मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क जो इजेक्ट होगा इन्फेंट के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, वो ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी में होगा। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कैरिड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीटोसिन, बट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोलैक्टिन एक्टिविटी। और प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे पॉइंट्स, क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया यहाँ पर, यहां तक हमारे ओवरव्यू ये था कि भाई जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से हो गए, गैमेटोजेनेसिस, इनसेमिनेशन, थर्ड पॉइंट क्या था, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में जायगोटिक क्लीवेज, उसके बाद में इम्प्लांटेशन, उसके बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स जेस्टेशन, जिसको अपन जेस्टेशन के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद लास्ट में जाके पार्चुरिशन यानी डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, और पार्चुरिशन के बाद में जो इन्फेंट अलग हुआ है मदर से, बट स्टिल डिपेंडिंग अपॉन द मदर, है ना, मदर के ऊपर ही अभी डिपेंड होगा। तो लास्ट जो एक्टिविटी जो मानी जाती है वो लैक्टेशन, इन लैक्टेशन इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव इवेंट, है ना। तो आपको बेटा ये इतने पॉइंट आपको याद रखने। अब देखो मैंने यहां से एक ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि विच ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव इवेंट इज डायरेक्टली एनहांस्ड बाय द प्रोलैक्टिन एक्टिविटी फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा, किसकी एक्टिविटी में ये प्रोसेस लैक्टेशन प्रोसेस होती है वो प्रमोट होती है, विच ऑफ दी फॉलोइंग हार्मोन, या सॉरी मैं भूल गया, मतलब इसको इस तरीके से अपन लें, विच ऑफ दी फॉलोइंग हार्मोन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोजेस्टिरोन हार्मोन, या ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। या मान लो हमारे कभी कभी नीट के अंदर बच्चों इस तरीके से भी क्वेश्चन आती हैं, यहाँ पे इवेंट्स दे रखे हैं अलग अलग, यहाँ पे इवेंट्स हैं एक कॉलम में, ना कॉलम वन, और जो कॉलम जो सेकंड होगा इसके अंदर यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन या फंक्शन दे रखे होते हैं, डिस्क्रिप्शन अपन बोल सकते हैं। तो कॉलम वन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम है ना, इसमें यहाँ पे जैसे गैमेटोजेनेसिस, इनसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये और यहाँ पे इसके मिलाने हैं, ये मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है और हमें एक फाइंड आउट करना होता है करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन जनरेट होता है। नाउ वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सेपरेटली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए सेपरेटली, है ना। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इन मेल और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन फीमेल। तो बच्चों यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये लाइन बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, है ना, पेल्विक गडल जो होती है, पेल्विक गडल का जो पार्ट है उसके बिलो यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में ये टेस्टिस होते हैं वो पाए जाते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये पाया जाता है पेल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, अपियर ऑफ टेस्टिस, इट इज नोन एज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन इन मेल, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये आपको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक बता देता हूं, जैसे कि अपीयर ऑफ टेस्टिस, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आती है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आ रही है इसको टेस्टिस के नाम से अपीयर ऑफ टेस्टिस, एक पीयर टेस्टिस होता है यहां पे, इसको हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन के नाम से जान रहे हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होगी। एक्सेसरी डक्ट्स की बच्चों अपन बात करेंगे तो एक्सेसरी डक्ट्स में बहुत सारी एक्सेसरी डक्ट हो जाती है, जैसे कि इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट होगी यहां पर, है ना, वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, एक वासा डिफरेंसिया भी होती है, इसमें आगे वाले डायग्राम में आपको मिल जाएगा। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन यहां पर और उसके बाद में सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दो तरह का हुआ यहां पर, एक तो प्राइमरी
सेक्सुअल ऑर्गेन, याद रखो बच्चों, है ना, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन अ पेयर ऑफ टेस्टिस और एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है ना, एक्सेसरी ग्लैंड्स में अलग अलग होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है यहां पर, है ना, ये लोबुलरी ग्लैंड होती है ना, सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं, ये सेमिनल वेसाइकल, ये वाली जो ग्लैंड होती है लार्जेस्ट सेक्सुअल ग्लैंड है, सबसे बड़ी सेक्सुअल ग्लैंड होती है जिसको अपन सेमिनल वेसाइकल के नाम से जानते हैं ना, तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी ये जो पार्ट आ जाता है इसको अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से जानते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गेन के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन आता है ऑर्गेन्स का, ये यहां पर यानी एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन यानी एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं ना। अब अपन बात करेंगे यहां पे, ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, अपन बात करेंगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस, तो यहां पे ये स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं बेटा, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, स्क्रोटम एक थिन लेयर्ड पाउच होती है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट एक पाउच होती है जिसमें ये टेस्टिस पाए जाते हैं, दोनों पे ये वाले, एक टेस्टिस एंड एनदर टेस्टिस, है ना, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे बच्चों हम एक स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, ये स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, है ना। और ये स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, यानी स्क्रोटम के अंदर जो पेल्विक रीजन में अपीयर ऑफ टेस्टिस पाए जा रहे हैं, एंड दिस स्क्रोटम प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 से 2.5 डिग्री, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ये माना जाता है, विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी माना जाता है, यानी स्क्रोटम की वजह से जो टेम्परेचर मेंटेन होगा और वो टेम्परेचर एक सुटेबल या ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, तो बच्चों ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, जैसे एक्सेसरी ग्लैंड डक्ट्स की बात करेंगे, तो रेटी टेस्टिस बच्चों यहां पे, ये जो टेस्टिस है यहां पर एक अभी दूसरी स्ट्रक्चर में आपको मिल जाए, यहां पर रेटी टेस्टिस पाए जाते हैं, रेटी टेस्टिस से फिर वासाइफरेंसिया शुरू हो जाते हैं, ये ऊपर यहाँ पे वासाइफरेंसिया आ जाएंगे, उसके बाद में एपिडिडाइमस शुरू होगा, दिस इज कॉल्ड द टेम्पररी साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन, उसके बाद वासा डिफरेंसिया, एक पेयर ये पूरी यहां पे आ रही है, इसको अपन वासा डिफरेंसिया, है ना, वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया याद रखिएगा, एक ये और एक ये नली आपको जो देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इनको हम वासा डिफरेंसिया के नाम से, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में यहां पे इनके नाम याद रखना है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आप याद रखिएगा, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया माना जाता है जिसको अपन कॉपुलेटरी ऑर्गेन के नाम से जानते हैं, इज दैट क्लियर। हाँ जी, अब जैसे अपन यहां डिस्कस करें टेस्टिस, यानी सबसे पहले अपन को पढ़ना है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन बच्चों, है ना, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन यानी अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ गोनाड्स हो गए, है ना, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हमने, हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बेटा यहां पे याद रखिएगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन, अब ये कहां से प्रोड्यूस होगा, टेस्टिस में भी कौन सी जगह होगी, वो अभी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं ना। शेप ओवलिन शेप, टेस्टिस की जो शेप है ये, इसके बाद में इसका जो डायमीटर लेंथ वगैरह होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होती है इसकी ये 2 to 3 सेंटीमीटर ना, एंड दी आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इज कॉल्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, बोथ टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एक पाउच के अंदर जिसको अपन स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, इसलिए ये जो टेस्टिस होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मानी जाती है बेटा, कौन सी स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, इसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, है ना, और स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं, स्क्रोटम का मैंने अभी आपको फंक्शन बताया था, प्रोवाइडिंग द लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर टेस्टिस को देता है, 2 to 2.5
2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्क्रोटम के अंदर होता है जो कि जरूरी होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए इस प्रकार के टेम्परेचर की रेंज रिस्पॉन्सिबल होती है। यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहां पे दे दिया, जैसे ये डायग्राम बन के आ गया बच्चों, यहां पे ना ये डायग्राम बन के आ गया और नीचे लिखा हुआ उसमें कि स्क्रोटम स्क्रोटम इज नेसेसरी फॉर टेस्टिस, है ना, स्क्रोटम टेस्टिस के लिए नेसेसरी बहुत जरूरी माना जाता है, बहुत असेंशियल माना जाता है, बिकॉज ऑफ किसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आगे यहां पर बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन, तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। सेकंड पॉइंट आ गया कि स्क्रोटम प्रोवाइडिंग द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज सिमिलर एज द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये भी हमारा गलत है। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया कि इट इज एसोसिएटेड विद द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ गया कि इट प्रोवाइड द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। ये मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक आता है, स्क्रोटम के अलावा टेस्ट इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग कैप्सूल, जिसे अपन बेटा टुनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। टुनिका एल्बुजिनिया एक लेयर होती है ना, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, डेंस कवरिंग एक कैप्सूल माना जाता है, कवरिंग होती है, टेस्टिस को कवर करती है ना। यहाँ पे टुनिका एल्बुजिनिया, देखो ये जो ये है बच्चों, ये इसको अपन टुनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं, एक प्रोटेक्शन देने का भी काम कर रही है ना, ये है। तो टुनिका एल्बुजिनिया इनसाइड एज सेप्टाई, ठीक है ना, यानी सेप्टाई इसके जो आगे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर की तरफ यहाँ पे ये आ गई, और इसके ऊपर बच्चों एक लेयर होती है, उसको अपन एक लेयर और होती है जिसको अपन टुनिका वजाइनलिस के नाम से जानते हैं। टुनिका जो वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब लेयर, बायोलॉजिकल सिस्टम में बेटा इसका मतलब लेयर। एक टुनिका वजाइनलिस भी होती है, नाम फीमेल से रिलेटेड है, वजाइना से रिलेटेड, बट ये मेल के अंदर माना जाता है ना, तो टुनिका वजाइनलिस। और सबसे एक बीच में एक लेयर आ जाती है, यहां पर टुनिका एल्बुजिनिया और वजाइनलिस के बीच में एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द टुनिका वेस्कुलोसा। तो बच्चों ये तीनों प्रकार की लेयर याद रखिएगा, इनर मोस्ट टुनिका एल्बुजिनिया, मिडिल टुनिका वजाइनलिस, मिडिल टुनिका वेस्कुलोसा और आउटर मोस्ट टुनिका वजाइनलिस, ये तीन प्रकार की कवरिंग होती है, जिसमें से जो हार्ड जो कवरिंग होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट जो कैप्सूल या कवरिंग माना जाता है, दैट इज द टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक है बच्चों। ये जो कवरिंग होती है टुनिका एल्बुजिनिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अब कॉन्सेप्ट पे अपन आ गए कि ये जो टेस्टिस हमने जो पढ़े हुए हैं, ईच टेस्टिस कंटेनिंग 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोबुल्स, बेटा याद रखिएगा, यानी ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 टीसी टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, या जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोबुल्स पाए जाते हैं, यानी जो अभी टेस्टिस की जैसे मैं एक दूसरे तरह से भी अपन स्ट्रक्चर यहां पे बनाए, जैसे मान लीजिएगा ये एक स्ट्रक्चर यहां पे है, ये टेस्टिस वाला पार्ट आगे बेटा है ना, ये लेयर एल्बुजिनिया, और यहां पर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, इस तरीके से यहां पे कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, यानी 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, ये इस तरीके से बच्चों यहां पर ये कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं ना, कितने कंपार्टमेंट ऐसे आप बना सकते हैं, इनको बच्चों अपन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये कितनी होती है 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट एक टेस्टिस के अंदर, दैट मींस दोनों टेस्टिस के अंदर कितने हो जाएंगे अप्रोक्स 500 बोथ टेस्टिस, ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एंड ईच लोबुल, ईच टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, यानी ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बना हुआ है बच्चों, यहां पर
प्रत्येक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर ये हाईली कॉल्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको अपन बोलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 2 to 3, यानी ईच टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हैविंग 2 to 3 हाईली कॉल्ड टिब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है बच्चे, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल यानी ईच टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पर्टेनिंग 2 to 3 हाईली कॉल्ड टेस्टिकुलर टिब्यूल्स, उनको हम टेस्टिकुलर टिब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, हम इनको स्पर्मेटिक टिब्यूल के नाम से जानते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन ऑल्सो, है ना, इसलिए हम इनको स्पर्मेटिक टिब्यूल भी बोलेंगे। हम इनको मेल रिप्रोडक्टिव टिब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, हम इनको टेस्टिकुलर टिब्यूल्स के नाम से जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एज पर द एनसीईआरटी आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल आपको याद रखनी है, है ना। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 2 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल, तो अपन बोलेंगे एक टेस्टिस के अंदर हाउ मेनी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया 250 टेस्टिकुलर 250 सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेकंड ऑप्शन आ गया अप्रोक्स 750 टेस्टिकुलर अप्रोक्स 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल, थर्ड ऑप्शन आ गया अप्रोक्स 500 सेमिनिफेरस टिब्यूल, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, अप्रोक्स 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल इन ईच टेस्टिस, क्योंकि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट पर्टेनिंग द 2 to 3 हाईली कॉल्ड, बहुत ज्यादा कॉल्ड फॉर्म में रहती है, इसलिए हाईली कॉल्ड ये टिब्यूल्स होती हैं, हम इनको बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल के नाम से जानते हैं, है ना। और सेमिनिफेरस टिब्यूल बच्चों यहाँ पे होती हैं, याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल ही स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये यहाँ पर बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, हम इसको सेमिनिफेरस टिब्यूल के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे हम इनको, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे, बस आपको एक बार रिवीजन लगाने की आवश्यकता होगी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आज जैसे चैप्टर खत्म हो जाए, ये धीरे धीरे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आप इसके जितने क्वेश्चंस होते हैं नीट वाले जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट आप 20 इयर्स या 15 इयर्स बैक के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे यहां से। ओके, अब बेटा जो सेमिनिफेरस जो टिब्यूल माना जाता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बेटा दो पार्ट होते हैं ना, ये दो पार्ट में देखो, एक पार्ट तो यहां से ये माना जाता है, मैं आपको दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूं बच्चों, एक पार्ट तो ये माना जाता है आउटर पार्ट, और एक इनर पार्ट माना जाता है, यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल हैविंग टू डिस्टिंक्ट पार्ट। इसके अंदर दो पार्ट होंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल के दो पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पार्ट दैट इज इनर इनर लाइनिंग या इनर पार्ट, और दूसरा होगा बच्चों यहां पे आउटर, इनर पार्ट और दूसरा कौन सा यहां पर आउटर पार्ट, है ना, दो यहां पे पार्ट हो गए। इनर पार्ट की जब अपन बात करेंगे यहां पर, तो इनर पार्ट के अंदर बेटा, और इनर पार्ट याद रखिएगा, इनर पार्ट जो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल का वो अप्रोक्स 60% पार्ट होता है, और आउटर पार्ट होता है वो अप्रोक्स 40% पार्ट होता है इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल। इनर पार्ट के अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इनर जो पार्ट होता है यहां पर दो तरह की सेल्स होती हैं, डिस्टिंक्टली दो तरह की सेल्स मानी जाती हैं। पहली जो सेल मानी जाएगी इसको अपन बोलेंगे मेल जर्म सेल्स, या जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, और दूसरी बच्चों यहां पे जो सेल्स होंगी उनको अपन बोलेंगे सर्टोली सेल्स। याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनियम सेल्स और दूसरी होते हैं बच्चों सर्टोली सेल्स, है ना, इसके इनर साइड पे। आउटर साइड की जब अपन बात करेंगे तो आउटर साइड पे भी दो तरह की सेल्स यहां पे आ जाती हैं, एक तो लेडिंग सेल्स LEYDIG जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोनल सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, और दूसरी होती है यहां पर इम्यूनो कॉम्पिटेंट IC सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स यानी एक प्रकार से पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स होती हैं। क्लियर,
तो यहां पर देखो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, यानी ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हो जाती है यहां पे, इसके अंदर की तरफ यहां पे जाएंगे ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, इसमें अंदर की तरफ अंदर वाली लाइनिंग में आ जाएंगी, और सटोली सेल्स भी अंदर वाली लाइनिंग में आ जाती हैं, है ना। अभी आगे अपन सटोली, जैसे मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम यहां पे बना दूं, जैसे आप इसका सेक्शन काटोगे ना बच्चों, तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये सेक्शन है। ये यहां पे जो सेल्स मानी जाती हैं, इसके अंदर सेल्स हैं, इनको तो अपन बोलेंगे सर्टोली सेल्स। ओके, दूसरे तरह की जो सेल्स यहां पे आती हैं सर्टोली सेल्स के अलावा, इनर साइड पे दूसरी जो सेल्स हैं इनको अपन बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, या मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं अपन इनको, मेल जर्म सेल्स। और जो आउटर जो लाइनिंग होती है इसकी, सेमिनिफेरस टिब्यूल का जो आउटर पार्ट होता है, इस आउटर पार्ट के अंदर बच्चों यहां पे ये वाला आउटर पार्ट है, एक तो इस तरीके से सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इन सेल्स को बोलते हैं हम लीडिंग सेल्स। ये वाली सेल्स होती है कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा बच्चों अच्छी तरीके से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ओके, और नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे यहां पे अगली जो सेल्स एक और होती हैं इसके बाहर की तरफ, यहां पर इनको बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, यानी आईसी सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। तो फोर टाइप की सेल्स हो जाती हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल दैट इमेंसली इन्वॉल्व इन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। तो हमारे क्या ऑप्शंस बनेंगे वहां पे, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, लेडिंग सेल्स, नन ऑफ दिस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया बच्चों यहां पर, लेडिंग सेल्स, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल के लेडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर। ये यहां पे देखिएगा टू पार्ट साइड हो गए, वो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया था, मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम सेल्स के नाम से जानते हैं, इनमें माइटोटिक मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, फाइनली स्पर्मेटोजुआ, यानी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का फंक्शन क्या हुआ सेमिनिफेरस टिब्यूल में, यानी स्पर्म फॉर्मेशन। सर्टोली सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ये बेटा यहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, दे प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ये बच्चे स्पर्म को न्यूट्रिशन के प्रोवाइड करती हैं, हम इनको नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, या इनको न्यूट्रिटिव सेल्स, न्यूट्रिटिव सेल्स, या हम इनको एक और नाम से जानते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स। ठीक है बच्चों, इनको अपन सस्टेंटिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं, दे प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। ये स्पर्म यानी जो जर्म सेल्स होती हैं उनको बच्चों ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के आउटर साइड मैंने आपको बता दिया था इंटरस्टीशियल सेल, एक इंटरस्टीशियल स्पेस होता है वहां पर, है ना, और उसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, एक तो लीडिंग सेल्स होती हैं, और लीडिंग सेल्स को ही बच्चों हम इंटरस्टीशियल सेल्स के नाम से जानते हैं, है ना, इंटरस्टीशियल सेल्स या जिसको अपन लीडिंग सेल्स एक ही बात है ना। और एक कौन सी होती है, लीडिंग सेल्स का जो फंक्शन क्या होता है, दे सिंथेसाइज एंड सिक्रेट मेल हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन, जिसको अपन टेस्टिकुलर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, विच इज दैट प्रमोट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, इट इज इट ऑल्सो प्रमोट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म फॉर्मेशन को भी ये प्रमोट करता है। और अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, आईसी सेल्स, ये भी आउटर पार्ट में होते हैं। तो बच्चों ये चारों तरह की यहाँ पे सेल्स हो गई, यहां पर याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल इनर साइड में, और लीडिंग सेल्स और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स ये आउटर साइड पे पाई जाती है, यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर की तरफ पाई जाती है। इज दैट क्लियर। एक यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा बच्चों यहाँ पे वो किस तरीके से होगा। तो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन माना जाता है, यानी एक क्वेश्चन बनता है बेटा, हाउ टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाई
सेमनी फेरस टिब्यूल। तो सेमनी फेरस टिब्यूल से याद रखिए बेटा, सेमनी फेरस टिब्यूल आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। इनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनको अपन टेस्टिस की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो टेस्टिस यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल, है ना। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस? बिकॉज इट परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन। ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज द गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। एनदर फंक्शन इज हार्मोनल सिक्रेशन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करती है ना। अब किस तरीके से बच्चों यहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट सबसे पहले अपन बात करेंगे प्यूबर्टी स्टेज, एट प्यूबर्टी 12-13 साल से प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाती है ना मेल के अंदर बॉयज में। तो इसके बाद में बेटा हाइपोथैलेमस होता है हमारा ब्रेन का पार्ट, हाइपोथैलेमस ये एक्टिवेट हो जाता है और हाइपोथैलेमस से बच्चे का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 11th में पढ़ा होगा आपने। एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्ट अपॉन द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों प्रमोट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर जो दो प्रकार के हार्मोन यहां से प्रोड्यूस होंगे, गोनाडोट्रोपिन जिसको एक को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक को बोलते हैं बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बट इन केस ऑफ मेल LH हार्मोन इज नोन एज द ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल को प्रमोट करेगा। अब FSH एंड ICSH ये दोनों हार्मोन टेस्टिस को प्रमोट करेंगे और ये टेस्टिस की बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रमोट होंगी, सेमिनिफेरस टिब्यूल, और सेमिनिफेरस टिब्यूल से फिर FSH होगा, ये तो सर्टोली सेल्स को करेगा जिसको अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन, और ICSH होगा ये लीडिंग सेल्स को करेगा, और लीडिंग सेल से फिर एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। तो वी कैन से कि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ICSH सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक GnRH। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। एक क्वेश्चन बनता है हाउ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो बेटा ये मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बोर्ड में भी कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, राइट अ शॉर्ट कमेंट ऑन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट द शॉर्ट कमेंट ऑन एक्सेसरी डक्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो हमें वो एक राइट शॉर्ट कमेंट में देना है, चार्ट के थ्रू अपन पढ़ेंगे, अपन को डिटेल कहानी की तरह कोई कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना, हमें सारे कॉन्सेप्ट को एक एक्सप्लेनेटरी आइडिया में लेके चलना जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक रैंप अप पोजीशन एक अच्छी एक्सेलरेट कर सके। ओके, तो आई स्टॉप हियर। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो सारी इंफॉर्मेशन आज समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, और अगली क्लास में अपन ये एक्सेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी अगर आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा तो हम आपको आगे डिस्कस कराएंगे। आफ्टर कंप्लीशन दिस यूनिट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा जो कि रिलेटेड होते हैं एम्स एग्जाम जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर तक था, और नीट के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन 1x1 करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे हमारे अंदर इस एम्ब्रियोलॉजिकल यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से फुली कॉन्फिडेंस आ जाए। तो फुली कॉन्फिडेंटली आपको ये चीजों को तैयार करना है। आप बेटा याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, जो टॉपर बच्चा होता है वो टॉपर कोई अलग नहीं होते, एवरीवन इज टॉपर, कोई भी टॉपर बन सकता है, इट इज एब्सोल्युटली डिपेंडिंग अपॉन देयर कमिटमेंट्स और उनके डेडिकेशन, यानी पढ़ाई में कितना कमिटेड है वो, कितने डेडिकेटेड है और कितने ऑनेस्ट है अपनी पढ़ाई को लेके, है ना, उस पे ही ये डिपेंड करता है, और आपका परफॉर्मेंस लेवल होता है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो इम्प्रूव होता चला जाता है, आप एक बोर्ड में एक टॉप रैंक निकाल, टॉप एक 85% निकालते हो, 90% एवम निकालने का तरीका यही होगा, और इसके साथ साथ हमें 12th के साथ एक अच्छी नीट में भी हमें एक AIR यानी ऑल इंडिया रैंक हमें मिल जाए।
ओके बच्चों, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेसरी डक्ट इन अपकमिंग क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट.